उनके हिस्से में सिर्फ शौचालय अभी अभी का अपडेट, अभी अभी के योजना आए, अभी की सब लोग रुक जाए, सब लोग रुक जाए। मायावती का ट्वीट देख रहा हूं मैं, मायावती का 9 मिनट पहले ट्वीट आया है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। और मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी इसको फुल फ्रेम ब्रेकिंग बना करके जरूर चलाएं। मायावती कहती हैं, चुनाव आयोग की पाबंदी का खुला उल्लंघन करके यूपी के सीएम योगी शहर शहर और मंदिरों में जाकर एवं दलित के घर बाहर का खाना खाने आदि का ड्रामा करके उसको मीडिया में प्रचारित प्रसारित करवा के चुनावी लाभ लेने का गलत प्रयास लगातार कर रहे हैं, किंतु आयोग उनके प्रति मेहरबान है क्यों? एक ट्वीट ये है। दूसरा है, अगर ऐसा ही भेदभाव और बीजेपी नेताओं के प्रति चुनाव आयोग की अनदेखी और गलत मेहरबानी जारी रहेगी तो फिर चुनाव का स्वतंत्र व निष्पक्ष होना असंभव है। इन मामलों में जनता की बेचैनी का समाधान कैसे होगा? बीजेपी नेतृत्व आज भी वैसी ही मनमानी करने पर तुला है जैसा वो अब तक करता आया है क्यों? सुधाकर जी जवाब दीजिए। मायावती के दो ट्वीट सुबह सुबह, दूसरे चरण का चुनाव 1 घंटा हुआ है, मायावती का 2 ट्वीट वार, कैसे करेंगे सामना? देखिए राशिद जी, चुनाव आयोग ने जो कार्यवाही की है उसमें मायावती जी पर केवल 48 घंटे का बैन लगाया है और योगी आदित्यनाथ जी पर 72 घंटे का बैन लगाया है। तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से, अपने नियम और कानूनों के हिसाब से कार्यवाही कर रहा है। अगर उस पर कोई उंगली उठाता है तो उसकी अपनी समझ है। और योगी आदित्यनाथ जी इस समय अगर चुनाव आयोग ने बैन लगाया है और उनको प्रचार से रोका है तो वो अपने व्यक्तिगत आस्था को व्यक्त करने के लिए योगी जी में जा रहे हैं। तो योगी जी जो है मंदिर मंदिर जा रहे हैं, भजन बलि का दर्शन कर रहे हैं, मायावती को बुरा क्यों लग रहा है? धर्म तो धारण करने की चीज है। योगी के मंदिर जाने पर मायावती ने सवाल उठाया है, इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे सहयोगी फुल फ्रेम ब्रेकिंग इसे बना करके चलाएं। योगी के प्रचार पर बैन लगा है, बैन के दौरान योगी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, आज बनारस में हैं, संकट मोचन भी जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे, इससे पहले हनुमान गढ़ी जा चुके हैं, उससे पहले रामलला का दर्शन किया है, महंत नृत्य गोपाल दास से मिल चुके हैं, अयोध्या गए हैं, इसके अलावा लखनऊ में बजरंग बली का दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे। और अब मायावती ने यह ट्वीट वार किया है, यह सब की बड़ी खबर है। मनोज यादव, धर्म धारण करने की चीज है किसी भी महंत के लिए, किसी भी संत के लिए, किसी भी योगी के लिए। अगर मंदिर जा रहा है तो मिर्ची क्यों लग रही है मायावती को?